Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं चुकंदर यानी कि बीटरूट का रायता एकदम तड़का मार के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रायता बनाते हैं आज का। चलिए एक बाउल में आधा कप दही डाल दीजिए और आधा छोटा चाय चम्मच शक्कर डाल दीजिए। आप पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, विस्क कर लीजिए इस तरीके से कि जो शक्कर है पूरी तरीके से घुल जाए। अच्छा, आप शक्कर पाउडर ले सकते हैं। ये शक्कर का ऐसा कुछ नहीं कि इसमें मिठास आएगी, ये बैलेंस करने के लिए शक्कर डाली जाती है। जब इस तरीके से अच्छा टेक्सचर क्रीमी हो जाए तो इसे ढककर साइड पर रख दीजिए। अब हम बीटरूट लेते हैं। आप चाहें तो बीटरूट ना 1/4 कप, चाहें तो बॉइल करी हुई लें, चाहें तो कच्ची लें, चाहें तो आप इसे बेक करी हुई लें, लेकिन मैं कच्ची ले रही हूँ और इसे खुरच लेती हूँ इस तरीके से। अच्छा, आप चाहें तो पीस कर भी ले सकते हैं हाँ ये बीटरूट को। चलिए मैंने पूरी खुरच ली है बीटरूट। अब ये जो दही है इसके अंदर ये 1/4 कप जितनी खुरची हुई बीटरूट डाल दीजिए, 1/4 छोटे चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए, 1/4 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए, 1/4 छोटे चाय का चम्मच काला नमक डाल दीजिए और चुटकी भर नमक डालिएगा क्योंकि काला नमक थोड़ा ज़्यादा तेज रहता है हाँ। अब ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आप मिक्स करेंगे तो देखेंगे कितना ब्यूटीफुल कलर आ जाएगा आपकी ये जो दही के अंदर है ना, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगेगा। नमक एडजस्ट करना चाहें तो अब एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि कम ही डालिएगा, बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे एक मैं प्याली में निकाल लेती हूँ इस तरीके से और ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी राय, थोड़ी सी जीरा और थोड़े सा कड़ी पत्ता है। ये कड़ी पत्ते के पीसेस कर लीजिए छोटा और मैंने थोड़े थोड़े ही लिए जैसे आपने देखे, तो ज़्यादा मत लीजिएगा। एक वाटी गरम कर लीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए। तेल बहुत अच्छा गरम हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए बंद और उसके अंदर ये जो सारी चीज़ें हमने रखी हैं, थोड़ी सी जीरा, थोड़े सा राय और एक कड़ी पत्ता ऐसा तोड़ के, 1-2 कड़ी पत्ता ये डाल दीजिए इसके अंदर। और इसके साथ साथ यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी इतनी सी हींग डाल रही हूँ हाँ। इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चूल्हा आप देख रहे हैं बंद ही है, बंद के अंदर मैंने ये किया है। अब ये जो तड़का है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के इसके अंदर डाल दीजिए हमारे बीटरूट के रायते के ऊपर। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है, आप इतना पसंद करेंगे ना, ये जो लास्ट का जो तड़का वाला जो फ्लेवर आता है ना बहुत ही मज़ेदार आता है। तो बस ये डालकर मैं थोड़ा सा इसे प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा बीटरूट डाल देती हूँ और इसे सर्व कीजिए। मज़ेदार सा हमारा बीटरूट रायता हो गया तैयार। तड़का मैंने जितना डाला है उतना ही डालिएगा तो सटल रहेगा, नहीं तो ओवर पावरिंग हो जाएगा। जैसे आपने देखा मैंने थोड़ा सा ही राय और जीरा डाला है और 2 छोटी कड़ी पत्ते थे उसे मैंने तोड़कर डाला है और तेल भी आपने देखा बहुत कम डाला है, तो उससे थोड़ा सटल रहेगा लेकिन फ्लेवर जरूर आएगा इसका। तो है ना मजेदार रेसिपी। ये वाली रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।